हेलो एवरीवन आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द टाइप्स ऑफ स्मॉग सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये स्मॉग होता क्या है और कितने तरीके के स्मॉग होते हैं एटमॉस्फेयर में उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले होता क्या है जो स्मॉग होता है ना एकदम ध्यान से समझिएगा स्मॉग क्या होता है स्मॉग स्मॉग इज़ द यू कैन से मिक्सचर ऑफ स्मोक यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्मोक हो गया डस्ट हो गया और समटाइम्स फॉग का जो है मिक्सचर इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्मोग के नाम से जानते हैं ठीक है और ये एटमॉसफियर में बहुत ही आप कह सकते हैं ह्यूज चेंज कॉज करता है कभी ये बहुत ही ज़्यादा डार्किश कलर का हो जाता है कभी बहुत ज़्यादा ब्राउनिश कलर का दिखने लग जाता है और इससे जो आपका जो आप कह सकते हो एनिमल्स uh, और प्लांट्स की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है तो स्मोग क्या है एक तरीके का सेकेंडरी एयर पोलूटेंट है ये सेकेंडरी एयर पोलूटेंट होता है क्या है सेकेंडरी एयर पोलूटेंट होता है अब हम देखते हैं कि नेचर में कितने तरीके के स्मॉग देखने को मिलते हैं ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा हमें दो तरीके के स्मॉग देखने को मिलते हैं एक जो फर्स्ट टाइप का स्मॉक है उसको हम लॉस एंजलीज स्म के नाम से जानते हैं और दूसरा जो है उसको हम लंडन स्मोक के नाम से जानते हैं ये नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे जो है ना आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो लॉस एंजलीज स्मॉग है वो सबसे पहले लॉस एंजलीस में देखा गया था कैलिफोर्निया के अंदर और लंडन स्मॉग सबसे पहले जो है लंडन के अंदर देखा गया था इसलिए इनका नाम इस तरीके से दिया गया है ठीक है अब मेरी बात को ध्यान से समझना है कि जो लॉस एंजलीस स्मॉग है वो उसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहते हैं और इसको फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं इसको समर स्मॉग भी कहा जाता है जबकि जो लंडन स्मॉग है इसको रिड्यूसिंग स्मॉग कहते हैं क्लासिकल स्मॉग कहते हैं और इसको विंटर स्मॉग भी कहा जाता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जो लॉस एंजलीस स्मॉग है उसमें स्मॉग का फॉर्मेशन नहीं होता है mm. स्मॉग का मतलब जो स्मोक मतलब स्मोक का फॉर्मेशन सॉरी स्मोक और डस्ट या फॉग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता क्योंकि ये समर में होता है ये समर में होता है बस स्मोग किसकी वजह से बनता है ये स्मोक और फॉग ऑब्वियसली बात है आग आग समर में फॉग आपको देखने मिलेगा नहीं समर में फॉग नहीं होगा तो आपको यहाँ पे स्मोक और फॉग का इन्वॉल्वमेंट देखने नहीं मिलता है तो जा जा। ये होता कैसे है ये लाइट की प्रेजेंस में होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो सनलाइट की फोटोकेमिकल इसीलिए लिखा गया है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है इसलिए इसको फोटोकेमिकल स्मोग कहते हैं अब देखो ये सबसे पहले पहले हम इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले ये लॉस एंजलिस में देखा गया था 1946 के अंतर्गत ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है कि ये किसकी वजह से होता है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हाइड्रोकार्बन एंड पेरोक्सीऐसीडाइल नाइट्रेट मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसंट्रेशन अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं लाइट से रिएक्ट करके एक स्मॉग का फॉर्मेशन कर लेते और ये समर में होता है क्योंकि लाइट हमने लिखा है तो ये कहां देखने को मिलेगा ये समर में होगा यहाँ पे स्मोग ऑक्सीडाइजिंग मतलब एजेंट का, का कंसेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो है ये स्मोक का फॉर्मेशन हो जाता है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ठीक है तो इसको इसीलिए नाइट्रोजिनस स्मोक के नाम से भी जाना जाता है तो इसके कितने सारे नाम हो गए लॉस एंजलीस हो गया ऑक्सीडाइजिंग हो गया फोटोकेमिकल हो गया समर स्मॉग हो गया और नाइट्रोजिनस स्मॉग हो गया अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सबसे पहले इसको लॉस एंजलीस में देखा गया था ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग कंपोनेंट ठीक है ना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये समर में होता है ठीक है इसको नाइट्रोजिनस स्मॉग कहते हैं इसमें डू नॉट इन्वॉल्व स्मोक एंड फॉग अगर आपको डिफरेंसेस लिखना हो तो भी बहुत सारे डिफरेंस लिख सकते हैं अब लंदन स्मॉग की अगर हम बात करें तो लंदन स्मॉग आपको कहां देखने को मिला था सबसे पहले लंदन में देखने को मिला था 1952 में सबसे पहले लंदन में देखने को मिला था अब सबसे अच्छी बात है कि यहां पे इसमें ये विंटर के दौरान होता है तो इन्वॉल्वमेंट यहां किसका होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मॉग एंड फॉग फॉग का इन्वॉल्वमेंट यहां पे होता है और ये सबसे पहले लंदन में देखने को मिला था क्योंकि ये विंटर में होता है इसलिए इसको विंटर स्मोक कहते हैं ये किसकी वजह से होता है ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एट एटमोसफियर मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से होता है किसकी वजह से होता है रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से होता है इसलिए इसको रिड्यूसिंग स्मॉग या सल्फरस स्मॉग के नाम से भी जानते हैं तो रिड्यूसिंग स्मॉग या सल्फरस स्मॉग के नाम से जानते हैं अब इसमें क्या लिखेंगे आप फर्स्ट ऑब्जर्व इन लंडन ठीक है ना दूसरी चीज ये किसकी वजह से होता है विंटर के समय होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मोक और फॉग फॉग और स्मोक का इन्वॉल्वमेंट यहां होता है ठीक है ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या फिर आप कह सकते हैं रिड्यूसिंग कंपाउंड की वजह से होता है इसलिए इसको रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं या सल्फरस स्मोक के नाम से भी जाना जाता है तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम आपको बताते रहेंगे और आप प्लीज जो है ना कंटिन्यूसली uh, बने रहिए चैनल पर हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जिससे आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहे ओके ऑल द बेस्ट सभी को मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट